चैनल पे। नियमित खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। सरकार जब अपने वादा निभाने के लिए जब सरकार यहाँ पर बनी थी तो रोडवेज कर्मचारियों से उन्होंने वादा किया था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम सातवां वेतन आयोग लागू रोडवेज विभाग में जल्द करेंगे और समय पर वेतन आपकी हमारी प्राथमिकता पहले रहेगी। लेकिन आप 2.5 साल होने के बाद भी सरकार ने इस विभाग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, आर्थिक स्थिति कर्मचारी की खराब हो चुकी है, लोन ले रखा उसकी पेनल्टियाँ लग रही है, घर की स्थिति कर्मचारियों की बिल्कुल बेकार हो चुकी है। त्यौहार के सीजन को देखते हुए अभी तक 2 माह का वेतन भी नहीं दिया। सरकार ने जो वादा हमसे किया था वो वादा खिलाफी के उसमें उतर आई है। अब हम लोग अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो इस आंदोलन को उग्र करेंगे और आज हमने मुख्य प्रबंधक प्रशासन को ज्ञापन दिया है, अगर हमारी 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है तो हम कार्यशाला के अंदर कार्य का बहिष्कार करेंगे। मैं धर्मेंद्र शर्मा, भारतीय मजदूर संघ BMS। देखो, रोडवेज की जो आज कर्मचारी है, हमने सुबह से आज वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश को रहते हुए आज हमने सुबह प्रदर्शन भी करा और इस मांगों को लेकर निगम प्रबंधन को हमने ज्ञापन भी दिया है और आज सभी प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा दुख का कारण है। कर्मचारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस आर्थिक संकट से लेते हुए किसी ने अगर बैंकों से लोन भी ले रहा है तो उसको कोर्ट में खाज वाली काम हो रही है, उसको और पेनल्टियाँ लग रही है। सरकार और प्रबंधन को मिलकर इसमें सकारात्मक प्रयास करने चाहिए ताकि रोडवेज के कर्मचारियों की समस्या दूर हो सके और जहाँ तक सरकार ने जो कर्मचारियों से जो सरकार में आने से पहले जो वादे किए थे वो हर एक वादा सरकार और प्रबंधन को बैठकर निश्चित समय पर पूरा करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो समस्त राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी, चाहे वो सेवारत हो चाहे सेवानिवृत्त हो, आपस में मिलकर विरोध प्रदर्शन करेगा और अपने कार्यक्रम या आंदोलन को है वो और उग्र करते हुए उसे आगे बढ़ाएगा। मैं लक्ष्मीकांत चौहान, राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इंटक अध्यक्ष। लावण्या दादीच, ऐसी ही खबरों के लिए आप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।